शादी के बाद जब मैं अमेरिका शिफ्ट हो रही थी तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम इतनी दूर जा रही हो, पाकिस्तान से कट जाओगी। ख़ास तौर पर तुम्हारी अगली जनरेशन, वो अपनी तहजीब, अपनी सकाफत, अपनी ज़ुबान से दूर हो जाएंगे। क्या ये सच है? क्या मेरे होने वाले बच्चे अपनी रूट से दूर हो जाएंगे? अमेरिका में हमारे जैसे देसियों को किस किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये जानने के लिए मैं यहाँ शिकागो आई, जहाँ पर पाकिस्तानियों की कसीर तादाद मौजूद है। ये शिकागो की मशहूर डिवॉन एवेन्यू है, जहाँ आकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं अभी भी पाकिस्तान या इंडिया के किसी कोने में हूँ। यहाँ हलाल खानों से लेकर देसी तर्ज के कपड़े सब कुछ बआसानी मिलता है। और इसी डिवॉन एवेन्यू पे एक छोटी सी किताब घर नामी दुकान भी है, जहाँ सिर्फ उर्दू किताबें बिकती हैं। इसको जनाब नसीम सरवर और उनकी अहलिया एजाज नसीम बड़े प्यार से चलाते हैं। मैं उनसे मिली और सबसे पहले उनसे ये पूछा कि उनको अमेरिका में उर्दू का किताब घर खोलने का कैसे ख्याल आया। एक क्वेश्चन था बचपन से ही कि ये कौमें कहाँ जाती हैं। एक दिन मैंने देखा कि दो बच्चियाँ बूढ़ों के साथ कुछ बात कर रही हैं आपस में, और मुझे ये पता था कि ये बूढ़े जो हैं ये यस नो भी नहीं जानते, वो रशियन थे। तो मैंने उस बच्ची को कहा कि यू स्पीक ब्यूटीफुल रशियन। वो कहने लगी, बड़ा अकड़ कर उसने जवाब दिया तुनक कर के, मैं नो आई एम अमेरिकन। तो इतने में उनकी माँ ने मुझे कहा, नो दे वर टॉकिंग इन हीब्रू। तो मेरा 50 साल का सवाल जो मेरे दिमाग में था वो हल हो गया। 2000 साल एग्जाइल में रहने के बावजूद इस कौम ने एक मुल्क ले लिया, और वो सिर्फ अपने ज़ुबान के बलबूते पे 80-85 साल बूढ़ा और यहाँ के 12-13 साल की बच्ची, और बात किस में कर रही हैं, हिब्रू में। तो ज़ुबान का वो जो एक लिंक आपको नज़र आया, उसने आपको इनकरेज किया? मुझे इनकरेज किया, और मुझे मैंने कहा कि वो अपने हिस्से की वो जो है शमा जलाते जाना। तो मैंने कहा यार इसका मतलब है कि हम भी ख़त्म हो जाएंगे, तो अपनी ज़ुबान को ज़िंदा रखने के लिए कुछ हिस्सा हम डाल दें। अच्छा, जब इन्होंने ये कहा तो आपने कितना इनकरेज किया? मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि कभी मैं अशफाक अमर साहब के साथ बातें कर रही हूँ, कभी मुझे लगता है मैं फैज़ के साथ बातें कर रही हूँ, कभी लगता है अभी इधर से जालब कह देगा वो जो अभी इस राह गुजर से चाक गिरेबा गुजरा है, उस आवारा दीवाने को जालब जालब कहते हैं। आप लोगों ने तो एक मुख्तलिफ अंदाज से अपनी सकाफत को इंट्रोड्यूस करवाया किताबों की सूरत में, तो किस तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ा? जाते जाते लोग शीशा भी तोड़ जाते हैं, हमारा जो साइन है। कौन तोड़ते हैं? जो हमें मुख्तलिफ समझते हैं कि ये लोग यहाँ आके तो सेट हो गए हैं ये सारा। और मैंने तो वो देखो पाकिस्तानी झंडा भी लगाया हुआ। हम नहीं डरते। मैं यकीन करो हिलरी क्लिंटन को मिली हूँ इसी लिबास में मिली। वो पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स जिनकी सेकंड जनरेशन यहाँ पली बड़ी है, वो अपने कल्चरल आइडेंटिटी के बारे में क्या ख्याल आता है? वो बहुत कोशिश करते हैं कि अपने कल्चर को, अपने मज़हब को और अपनी रवायात यंगस्टर्स जो हैं जिंदा रखें, वो कोशिश कर रहे हैं। नसीम साहब, ये आपको एक कलमिया नज़र नहीं आता कि यहाँ पर जो सेकंड जनरेशन है
वो इंग्लिश तो बोलते हैं, ज़ाहिर है यहाँ की ज़ुबान है, मगर उर्दू से दूर होते जा रहे हैं, और अगर कुछ बोलते भी हैं तो बिल्कुल सही तरह से उनका तलफ़ुज़ भी सही नहीं होता और अदायगी भी सही नहीं होती। तो इस हवाले से आप उर्दू ज़ुबान का क्या फ्यूचर देखते हैं और ऐसी जनरेशन के बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं? उर्दू को ख़त्म नहीं किया जा सकता। इर्तकाई मराजल आपने तय करते हुए कोई ज़ुबान या कोई चीज़ वजूद में आए उसको ख़त्म करना मुश्किल है। लेकिन पढ़ने की हद तक और लिखने की हद तक ये कहीं गुम होती जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये तमाम लिखने वालों के लिए एक लम्हा फिक्रिया है? जी हाँ, वो बिल्कुल, ये बहुत लम्हा फिक्रिया है। इसको आपने इतना महंगा कर दिया है कि मैं जब किताब की कीमत लगा रहा होता हूँ तो खुदा की कसम मैं लर्ज जाता हूँ। आपको खुदा तूल उम्र अता करे। आपके बाद इस किताब घर को कौन चलाएगा? हम अक्सर बात करते हैं कि यार इसका क्या बनेगा, तो हम देखते हैं कि कोई ऐसी फैमिली हो छोटी सी जिसकी ख्वाहिशात इतनी ज़्यादा ना हो पैसे बनाने की, उसको चाबी दे देंगे। हम इससे पैसा नहीं लेंगे उनसे, ये चाहें कि इसको ज़िंदा रखें, हमारा नाम रखें ना रखें, लेकिन उर्दू को ज़िंदा रखें। नसीम साहब और इजाज़ आपस से मिलकर मेरे दिल को बहुत तस्कीन मिली कि अगर कोई चाहे तो अपनी सकाफत की हिफाजत अमरीका में भी बाखूबी कर सकता है, लेकिन साथ ही मुझे नहीं पता कि आने वाली नस्लें उनके बनाए हुए मयार पे कितना उतर पाएंगी। अगर किसी पाकिस्तानी को घर के खाने की याद सताए तो वो यहाँ डिवॉन एवेन्यू का रुख करे। हर तरह के देसी रेस्टोरेंट्स यहाँ मौजूद हैं, लेकिन मुझे ये जानकर थोड़ी हैरानगी हुई कि यहाँ कराची की मशहूर साबरी निहारी भी मिलती है। अमेरिका में निहारी, इससे बढ़कर अपनी तहजीब से क्या ताल्लुक हो सकता है? मैंने सोचा कुछ पता तो करूं कि साबरी निहारी अमेरिका कैसे पहुंची। शिकागो का साबरी निहारी रेस्टोरेंट कराची वाले साबरी निहारी से कदरे मुख्तलिफ नजर आता है। अंदर का माहौल देखकर लगता नहीं है कि इनका आपस में कोई ताल्लुक है। मालूम करने पे पता चला कि इसके मालिक मोहम्मद जुनेद की फैमिली है। उनके वाले तो पाकिस्तान गए हुए थे। मैंने जुनेद से ही कुछ सवाल कर डाले। मोहम्मद जुनेद, आप ये बताएं कि पाकिस्तान के किस शहर से आपका ताल्लुक है और अमेरिका कब और कैसे आना हुआ? कराची से मेरा ताल्लुक है और मेरे पेरेंट्स आए थे ऑलमोस्ट 30 इयर्स अगो। वी आर टोटल फोर सिब्लिंग्स। ओके, सो यू वर बोर्न इन अमेरिका? वी आर ऑल बोर्न एंड रेज्ड हियर। अच्छा, कराची की जो साबरी निहारी है वो मशहूर तरीन जगह है। आपके अब्बू को इसी नाम से यहाँ पर रेस्टोरेंट खोलने का ख्याल कैसे आया, और क्या आप लोगों का कोई कनेक्शन है कराची की साबरी निहारी से? नहीं, हम शोशीरे तो बिल्कुल नहीं है। बस वो डैडी का ये कहना है कि वो शुरू से वो खाते आए हैं तो वो चाह रहे थे यहाँ भी लोगों को दें। जिस तरह हमारे पाकिस्तानी निहारी बड़े शौक से खाते हैं, क्या जो दूसरे कम्यूनिटीज़ के लोग हैं, चाइनीज़ हैं या लोकल अमेरिकन हैं, क्या वो भी उतनी रुगबत से खाते हैं निहारी? वेल, उनको पहले इंट्रोड्यूस कराना, उनको समझाना, उसके बाद उनको चखाना। सो देन वंस दे ट्राई इट, दे गेट एडिक्टेड टू इट एंड दे लव इट। आप बिलीव करेंगे, हमारे हम जैसे खाते हैं निहारी अदरक मिर्च डाल के, वो लोग भी खाते हैं। जुनेद, आप अपने कल्चर को और अपनी रूट्स को कैसे डिफाइन करेंगे? बेसिकली घर का माहौल। हमारे घर के माहौल में खाली उर्दू के अलावा कोई बात कर नहीं सकता घर के अंदर में। इंग्लिश नहीं बोल सकते, वी नॉट अलाउड टू। इसके बाद ये दीवान का जो एरिया जो है, आप देखे जाएँ तो सब उर्दू बोलने वाले, कोई पंजाबी बोलने वाला, कोई सिंधी बोलने वाला, यू फाइंड एवरी टाइप ओवर हियर। तो वो माहौल हमको मिला है, तो वी वर फॉर्चुनेट। मस्जिद जाना आना, लोगों से मिलना, ये तो हमारे रूट्स में आ जाता है। शादियाँ में ऐसे कल्चर के हिसाब से होती हैं, या ऐसा तो नहीं है कि इसको चर्च में जा रहा है, मस्जिद में निकाह भी होता है यहाँ, हर चीज़ रेगुलर होती है। सो ऐसा मिलना है कि यू फील दैट आप एक पाकिस्तानी हैं। जुनेद, आपको लगता है कि अमेरिका में अपनी सकाफत, अपनी रूट्स को बरकरार रखना मुश्किल है? नहीं, इतना मुश्किल इसलिए क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ का माहौल जो है, यू नो स्पेशली दीवान का, ये बहुत ही ज़्यादा आपको फील कराता है कि आप पाकिस्तानी हो। जो तरबियत आपके वालदे ने आपकी की, क्या आप सोचते हैं और अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग समझते हैं कि ऐसी ही तरबियत आप अपने बच्चों की करेंगे? 100% कोशिश करेंगे। इसी वजह से अपने माँ बाप के साथ ही रहते हैं हम, तो वो हमको जॉइंट फैमिली सिस्टम रखा वी ऑल लिव टुगेदर
एंड अमूमन एक कॉन्सेप्ट है ना कि अमेरिका में जाकर जैसे लड़का बड़ा होता है कमाने के काबिल होता है तो वो अपनी शादी के बाद खासतौर पर अपनी माँ बाप से अलग हो जाता है, फैमिली अलग बना लेता है. तो यहाँ पर जनरली आपको क्या देखने को मिलता है? जहाँ तक मैंने देखा है इट्स मेजॉरिटी दैट दे डोंट वांट टू लिव विद देयर पेरेंट्स, बट आई एम वन ऑफ दोस माइनॉरिटीज दैट वांट टू लिव विद देयर पेरेंट्स. और ये जो सेकंड जनरेशन है, आपको क्या फील आप करते हैं कि क्या वो वैसे ही अपनी सकाफत और अपनी रूट्स को फॉलो करेंगे जैसे उनके पेरेंट्स करते थे? क्या महसूस करते हैं आप इस हवाले से? आई बिलीव करें, आई हैव टू किड्स, माई सन इज 4, माई डॉटर इज 2, एंड दे ओनली स्पीक उर्दू. अभी तक स्कूल नहीं ना गए? नो, एक्चुअली दे स्टार्ट गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग स्कूल एज वेल, बट सी इंग्लिश तो बच्चे सीख ही लेते हैं. यहाँ माहौल ऐसा है, दे अंडरस्टैंड इंग्लिश, दे विल स्पीक इंग्लिश, पर उर्दू जो है ना इज द बेसिक. वंस दे लर्न द उर्दू दे विल बी ओके. यू नो, अगर पूछा जाए मुझसे कि हमारे बच्चे उस चीज़ को कर पाएंगे, एब्सोल्युटली आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि हमारे बच्चे इसको कल्चर को अपनाएंगे. बहुत मज़ेदार है. तो ये वैसे किसने बनाए खाने? हमारे एग्जीक्यूटिव शेफ से आई है, अली इफ्तिखार. अली इफ्तिखार साहब, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है. बहुत मज़ेदार किस्म के आपने पकौड़े और समोसे बनाए जी. निहारी भी आप ही बनाते हैं? निहारी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बनाते हैं. और रेसिपी जो है वो सेम अपनी देसी है? सेम अपनी देसी रेसिपी सारी. मसाले जो पूरे मसाले वही नमक मिर्च जो मम्मा डैडी और दादा दादी यूज करते हैं. अच्छा. जब हम अपनी सकाफत की बात करते हैं तो हम अमूमन ये भूल जाते हैं कि सकाफत में हमारे अलावा और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ भी शामिल हैं, और ख़ास तौर पर सकाफत लोगों को बांटने के लिए नहीं बल्कि इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए. यहाँ दीवान एवेन्यू पर मुझे एक अनोखी और मुनफरिद कहानी सुनने को मिली जिसने लोगों को इकट्ठा करने की सकाफत की ताकत में मेरे ईमान को ताज़ा कर दिया. ये शिकागो का इंडो पाक यूनाइटेड मेथोडिस्ट चर्च है जहाँ पाकिस्तान और इंडिया की ईसाई कम्युनिटी एक साथ मिलकर इबादत करते हैं. और शायद इससे भी अनोखी बात यह है कि यहाँ सारी इबादत उर्दू, हिंदी और पंजाबी में होती है. ये चर्च एक कम्युनिटी सेंटर भी है जो फैमिलीज का आपस में मिलने जुलने का एक जरिया भी बनता है. देखिए, इस चर्च में प्रे करके आपको लगता है कि आपका ताल्लुक अभी भी अपने वतन से? बिल्कुल, बड़ा मजा आता है पंजाबी में दुआ करके, पंजाबी बोलकर, अपने लोगों से उर्दू में बाइबल पढ़ने से जो लुत्फ आता है अंग्रेजी में नहीं. इस चर्च के बानी और कर्ता धर्ता रेवरेंड अर्नेस्ट सिंह और उनकी अहलिया शीला हैं. रेवरेंड सिंह साहब, आपको इंडो पार्क यूनाइटेड मेथोडिस्ट चर्च की बुनियाद रखने का ख्याल कब और कैसे आया? क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है दो कम्युनिटीज़ को एक जगह इकट्ठे करना. मेरी अपनी पर्सनल कहानी है फैमिली की. मेरे फादर जो थे वो अमृतसर पंजाब में थे, और पार्टीशन के दौरान में मेरी अपनी फुप्पो, मेरी खाला, मेरी आंटी लाहौर में थी. और जब पार्टीशन हुआ तो मेरी आंटी की फैमिली पाकिस्तान में रह गई और मेरी फैमिली इंडिया रह गई. मेरे जो फादर थे जब पार्टीशन हुआ वो पाकिस्तान में फंस गए, और उनका बड़ा अजीब और गरीब तजुर्बा हुआ क्योंकि पहले तो पाकिस्तान में मुस्लिम्स ने पकड़ लिया उनको कि आपका नाम सिंह है, आप हिंदू हैं. उन्हें कन्विंस करना पड़ा कि भाई मैं क्रिश्चियन हूँ, तो उन्होंने छोड़ दिया. जब इंडिया के बॉर्डर पर पहुँचे तो फिर हिंदुओं ने पकड़ लिया क्योंकि उनकी ज़ुबान उर्दू थी, तो बड़ी मुश्किल से उनको कन्विंस करना पड़ा कि भाई मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं उर्दू बोलने वाला क्रिश्चियन हूँ. तब वो बच के आए. सालों साल हमारी फैमिली नहीं मिल पाई, तो तब से दिल में था कि क्यों ऐसा है कि फैमिली बट जाती है. और जब शिकागो आ गए तो फिर यह है कि नहीं,
इंडियन पाकिस्तानियों को साथ में मिलना है, हम एक ही लोग थे, क्यों हम अलग हुए हैं। और इस इरादे से मेरे दिमाग में ये आया, अगर चढ़ शुरू करते हैं तो ये पॉसिबल है। किस तरह की मुश्किलात दरपेश आईं, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह के लोगों को एक जगह इकट्ठा करना ये आसान काम नहीं है। आसान नहीं है लेकिन मुमकिन है। एक डेढ़ साल तक सिर्फ इंडियन लोग थे, उसके बाद पाकिस्तानी थे, मुलाकात किसी से नहीं हुई थी। उसके बाद एक फैमिली से मुलाकात हुई पाकिस्तानी, उन्होंने आना शुरू करा, उनके ज़रिए औरों से मुलाकात हुई और लोग आना शुरू करा, और एक के बाद एक लोगों से मुलाकात होती रही, और आज खुदा का फजल है कि हम आधो आध इंडियन और पाकिस्तानी हैं। अच्छा, दोनों ममालिक में जब टेंशन हो जाए तो कॉन्ग्रीगेशन का क्या रवैया होता है? किसी टॉपिक में नहीं, सिर्फ एक टॉपिक में होता है, पॉलिटिक्स में भी इतना नहीं होता। जब स्पोर्ट्स शुरू होते हैं ना, तब हमारे देखना चाहिए आपको, ताने मारते हैं एक दूसरे को, प्यार करने वाले भी ताना मारते हैं, वो मजाक हमारी चलती रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना कभी दोस्ती की फिजा जो है वो कायम, प्यार ज़्यादा इतना मजबूत है कि ये फ़र्क नहीं लाता हमारे में। अच्छा, यहाँ पर अपने कल्चर से जुड़े रहना कितना मुश्किल है? एक्चुअली आसान है। आसान है? आसान है। हाँ, क्योंकि हम लोग साथ में हैं। अगर अलग हम पलते होते, अगर मैं DC में अपने बच्चे पालता, इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं होती, तब मेरे लिए मुश्किल होता। अच्छा, अपनी लैंग्वेज में प्रे करने का ये सेकंड जनरेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? अगर बच्चे गीत भी अपनी ज़ुबान में सुन रहे हैं, दुआ भी अपनी ज़ुबान में सुन रहे हैं, तो फिर रीइन्फोर्स होता है, तो फिर अपनी ज़ुबान को और सीखते रहते हैं लैंग्वेज को, और फिर वो जब वापस अपने कंट्रीज में जाते हैं विज़िट करने तो एकदम एट होम फील करते हैं, वो ऐसे नहीं करते कि यहाँ से स्ट्रेंजर जा रहे हैं। रेवरेंड सिंह साहब, आप अमेरिका में रहते हैं और अमेरिका के शहर शिकागो में, यहाँ ये बताएं कि आप अपनी कल्चरल रूट्स को डिफाइन कैसे करेंगे? हमारे कल्चर की कुछ खूबियाँ हैं। अमेरिका में जो है वो हर इंसान अपने लिए होता है, हमारे में कम्युनिटी में हम एक दूसरे के लिए होते हैं। दुख मुसीबत होती है यहाँ पर, आप अकेले होते हैं। हमारी कम्युनिटी में दुख मुसीबत आता तो सारा मोहल्ला, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कल्चर की वो खूबी हम यहाँ भी मेंटेन करते हैं, कोशिश करते हैं। इस खूबसूरत बात से मुझे समझ आया कि सकाफत और तहजीब तो इकदार का नाम है, और ये हमारे अंदर हैं। अमेरिका जैसे आज़ाद मुआशरे में भी जहाँ पाकिस्तानी मिलजुल कर रहते हैं, वो अपनी कदरों की ना सिर्फ हिफाजत कर सकते हैं बल्कि उनको नई ताकत भी देते हैं।